अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.6 में टू टॉपिक्स हैं, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। आज हम रिमाइंडर थ्योरम पे बात करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 देख लें, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व होते हैं। मैं फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का। बाई यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स। ये आपको पॉलीनोमियल्स दिए हुए हैं, आप इन पॉलीनोमियल्स की हेल्प से आप रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए आप रिमाइंडर मालूम करेंगे। फैक्टर आपको ये दिए हुए हैं, अब पॉलीनोमियल को लेके और इन फैक्टर को लेके आप रिमाइंडर कैसे मालूम करेंगे, इसको मैं रिटर्न फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए एक्सरसाइज 5.6 में क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 फर्स्ट, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर। सॉल्यूशन की हेडिंग देने के बाद आप देखें जो पॉलीनोमियल आपको दी हुई है उसको पी ऑफ एक्स रिप्रेजेंट कर देंगे। पी मींस पॉलीनोमियल, एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि आपके पास एक्सप्रेशन जो है एक्स की फॉर्म में, अगर वाई की फॉर्म में होगा तो पी ऑफ वाई लिखेंगे। जो वेरिएबल यूज़ होता है उसी वेरिएबल को यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, तो ये पॉलीनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फैक्टर आपको एक्स माइनस वन जो दिया है उसकी जनरल फॉर्म जो है एक्स माइनस आर है। जैसे पॉलीनोमियल की जनरल फॉर्म पी ऑफ एक्स है, तो फैक्टर की भी जनरल फॉर्म एक्स माइनस आर है, जिसमें दिस इम्प्लाइज सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। अभी तक यहाँ तक तो सब कुछ गिवन था, अब सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो बाय कंपैरिजन देखें, आर की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, आर इक्वल 1। बाय कंपैरिजन कैसे, देखें यहाँ पे एक्स है, राइट साइड पे भी एक्स है, माइनस साइन है माइनस, तो आर की वैल्यू क्या कंसिडर होगी, 1। आप आर की वैल्यू 1 ले लें, ठीक है। यूजिंग, अब इन्होंने क्वेश्चन में डिमांड किया है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो हम यहाँ पर लिख देंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या है, कैपिटल आर इक्वल पी ऑफ आर, ये रिमाइंडर थ्योरम कंसिडर होता है, ठीक है। कैपिटल आर मीन्स रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर मालूम करना है। पी मीन्स पॉलीनोमियल, कहते हैं पॉलीनोमियल को आप आर की वैल्यू रिप्लेस कर दें, आर की वैल्यू पर हमने रिप्रेजेंट की है जो कि 1 है, आर इक्वल पी ऑफ 1, ठीक। अब मतलब पी आर की जगह हमने 1 लिख दिया, पॉलीनोमियल को आपने 1 पुट करना है, ठीक है। पॉलीनोमियल ये हमें गिवन है, तो इसकी जगह आप रिप्लेस कर दें, आर इक्वल 1 क्यूब प्लस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 माइनस 11। जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे आपने 1 को पुट कर दिया, पॉलीनोमियल को देख के। आर इक्वल 1 का क्यूब क्या होता है, 1 प्लस 6, 1 का स्क्वायर 1, तो जस्ट 6 रह गया, प्लस 8 एंड माइनस 11। देखिए कहीं भी एक्स मौजूद नहीं है, ये सिंपल नंबर है, तो जब इनको सिंपलीफाई करेंगे तो हमें आर मिल जाएगा। अच्छा, 6 प्लस 1 बिकम 7, 7 प्लस 8 माइनस 11, रिमाइंडर इक्वल 8 और 7 को प्लस करें तो क्या आता है, 15 माइनस 11, ठीक है। आर इक्वल 15 में से 11 को माइनस करें तो क्या आता है, 4। तो कैपिटल ग्रेटर वैल्यू इज 15, 15 के साथ साइन प्लस का है तो ग्रेटर वैल्यू साइन लगेगा, प्लस प्लस मेंशन करना जरूरी नहीं है, तो रिमाइंडर, हैंस रिमाइंडर इज 4। दिस इज द आंसर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। मैंने बोला है रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके आप रिमाइंडर मालूम कर लें, तो हमने रिमाइंडर मालूम कर लिया, ठीक है। आप इसको सॉल्यूशन में आके रिपीट करती हूँ, पॉलीनोमियल आपको गिवन है, पी ऑफ एक्स से प्रेजेंट कर दिया, फैक्टर जो गिवन है उसको एक्स माइनस आर से प्रेजेंट किया, इसकी जनरल फॉर्म है जिसमें बाय कंपैरिजन आर की वैल्यू हमने 1 ले ली। क्यों आर की वैल्यू यहाँ पे 1 क्यों प्रेजेंट की, क्योंकि हमें रिमाइंडर थ्योरम में आर की वैल्यू चाहिए, ये रिमाइंडर थ्योरम आपने याद कर लेना है, ठीक है। तो आर की वैल्यू पुट की, तो पॉलीनोमियल को 1 देना है, जहाँ जहाँ एक्स वैल्यू हो वहाँ पे 1 वैल्यू पुट करें, सिंपलीफाई करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट जैसे है वैसे ही सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट में एक हिंट आपको मैं बता दूं कि सेकंड पार्ट में आपको फैक्टर दिया हुआ है, एक्स माइनस आर दिया हुआ है, एक्स प्लस थ्री, बाकी सारा इसी मेथड से है, एक्स माइनस आर इक्वल एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस आर इक्वल एक्स, ये देखिए प्लस में है, आप इसको भी कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि जनरल फॉर्म में माइनस साइन चाहिए, यहाँ पे प्लस का साइन है, आप इसको माइनस इंटू माइनस थ्री कर सकती हैं,
ठीक है, डबल साइन माइनस माइनस प्लस होता है, ये देखें प्लस, ये माइनस साइन आपका जनरल फॉर्म से आ गया। और आर की वैल्यू आप कंपेयर करें तो दिस इंप्लाइज आर इक्वल माइनस थ्री, तो आप पॉलिनोमियल को माइनस थ्री पुट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के जरिए और आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। आप इस पैटर्न से नेक्स्ट टू पार्ट कंप्लीट कर सकती हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से आप समझ लें, बार बार इसको चेक करें कि क्वेश्चन कैसे टाइम हुए, सेम इन्हीं स्टेप से नेक्स्ट टू पार्ट से कंप्लीट हो गए। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।